तो देखो बच्चे हम बात करेंगे आज वेस्ट थ्योरी से ऑनवर्ड देखो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक लिमिटेशन पड़ी थी कि ये कई सारी चीजों की एग्जैक्ट कोवेलेंसी नहीं बताती ठीक जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ओनली वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन नंबर वन के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं नंबर टू ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं पर हमने क्या देखा उसके हिसाब से अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन की कंफिग्रेशन होगी वन एस टू टू एस टू और टू पी वन और इसका वेलेंशियल क्या होगा टू एस एंड टू पी तो बेटा हमारे पास इसमें इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है

बट वी वेरी वेल नो दैट कार्बन इज कोवेलेंट तो इस चीज को इस यू कैन से प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एक थ्योरी दी गई प्रमोशन एंड रीओरिएंटेशन थ्योरी कौन सी प्रमोशन एंड रीओरिएशन रीओरिएंटेशन थ्योरी प्रमोशन एंड रीओरियंटेशन थ्योरी रीओरिएंटेशन थ्योरी ये जो प्रमोशन एंड रीओरियंटेशन थ्योरी है ये क्या कहती है बेटा ये कहती है कि एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन मेनी स्पीशीज जब एटम पास आते हैं उसमें रिपल्शन होती है ठीक रिपल्शन भी होती है उससे एनर्जी थोड़ी बढ़ती है वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक्साइट हो जाते हैं ठीक और कोवेलेंसी को बढ़ा देते हैं जैसे बोरोन के केस में बोलता है जब ये बोरोन बॉन्ड बनाने लगता है तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है दिस इज इट्स ग्राउंड स्टेट ये क्या है ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है तो जब इसके पास कोई बॉन्ड बनाने वाले आइटम आते ही अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर रादर यहां पर एक्साइट करवा देता है तो इसकी जो एक्साइटेड स्टेट कंफिग्रेशन होगी एक्साइटेड स्टेट कंफिग्रेशन कैसे हो जाएगी इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहां पर कितने रहेंगे तीन इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली अब तीन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए तो यहां पर बॉन्ड बन, बन सकता है यहां पर बन सकता है यहां पर बन सकता है So, हमारे पास क्या हो गया तीन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने की वजह से तीन बॉन्ड बन गए हमारे पास तो बोले बो, बोरोनेस सिमिलरली बोलता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जो होगा वो यहाँ एक्साइट हो जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा बॉन्ड बनाते हुए ये ग्राउंड स्टेट थी ग्राउंड स्टेट के बाद बॉन्ड बनाते हुए ये इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट हो जाएगा आफ्टर एक्साइटेशन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां है और यहां पर एक दो तीन ऐसे हो गए तो अब कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड्स जेंटेड तो ये थ्योरी के कुछ पॉइंट है पहला पॉइंट यह क्या कहता है पहला पॉइंट यह बोलता है एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एट द टाइम एट दॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन में बी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मे बी एक्साइटेड टू हायर शेल या हायर सब शेल सब शेल टू इंक्रीज टू इंक्रीज कोवेलेंसी कोवेलेंसी इंक्रीज करवाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक्साइटेशन हो जाती है अब आप बोलो कि सर होती क्यों एक्साइटेशन बेटा देखो कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी नेट में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा

Electron pairs reorient themselves, reorient themselves to minimize the repulsion, to minimize the repulsion and maximize stability, and maximize stability, maximize. स्टेबिलिटी दस गिविंग us गिविंग us शेप्स एंड geometries ठीक क्या कहता है कि हमारे पास आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे जैसे कि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहने की कोशिश करते ताकि उनकी एनर्जी क्या हो जाए बेटा मिनिमाइज हो जाए यानी कि उसमें रिवॉल कम हो जाए और एनर्जी मिनिमाइज हो जाए और स्टेबिलिटी क्या हो जाए मैक्सिमाइज हो जाए उसी में उसकी शेप्स और ज्योमेट्रीज बन जाएंगी जैसे कि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा बट एक तीसरा पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कहता है कि एक्साइटेशन मे नॉट बी द नेसेसरी क्राइटेरिया बट रीओरियंटेशन इज ऑलवेज नेसेसरी क्या बोलता है एक्साइटेशन एक्साइटेशन में नॉट बी नेसेसरी क्राइटेरिया नेसेसरी क्राइटेरियन बट रीओरिएंटेशन इज ऑलवेज नेसेसरी रीओरिएंटेशन इज ऑलवेज नेसेसरी क्या कहता है कहता है कि एक्साइटेशन हो ना हो इज नॉट नेसेसरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ठीक बट रीओरियंटेशन जरूर होगी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन ठीक एग्जाम्पल है मान लो अमोनिया है हमारे पास ठीक लेट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया इसमें अगर मैं नाइट्रोजन की कंफिग्रेशन देखता हूं नाइट्रोजन की जो कन्फिग्रेशन है यानी Z है वो कितना है सेवन तो कन्फिग्रेशन क्या होगी वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री तो वेलेंस शेल की क्या कंफिग्रेशन होगी भाई टू एंड तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन s में होंगे और तीन इलेक्ट्रॉन p में होंगे नाउ क्या 2d एग्जिस्ट करता है जब 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है क्योंकि थर्ड शेल में तो जाएगा नहीं उसमें तो एनर्जी का डिफरेंस होगा और इतनी एनर्जी हमें बॉन्ड बनाते हो अपने आप तो मिलेगी नहीं एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बनाएगा, तो जरूर हो जाएगी। अमोनिया जो है, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर तो जाएंगे, जाएंगे। और इस वजह से वो एक शेप दे देगा जिसको हम क्या बोलेंगे पिरामिडल शेप ठीक यानी यहां पे एक्साइटेशन तो नहीं हुई है

बट रीओरियंटेशन इज ऑलवेजरी और मिथेन बनाना साथ साथ के लिमिटेशन अब, अब मिथेन बनाना है तो कार्बन की कोवलेंसी के चार चलो वो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जब यहां से ये excite हुआ,

तो ये जो हमारे पास ओवरलैप है ये s से s का ओवरलैप है ये बॉन्ड जो है ये s से ss का ओवरलैप है जबकि इन तीन में अगर हम ध्यान दें इसका तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बट कार्बन का कौन सा कर रहा है p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो इन तीनों में हमारे पास sp ओवरलैप है और जैसे कि आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था sp ओवरलैप का स्ट्रेंथ s2 ss से ज्यादा होगा इस हिसाब से तीन बॉन्ड जो होने चाहिए मिथेन के उनकी बॉन्ड एनर्जी अलग और चौथे की 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 बॉन्ड 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 एनर्जी एनर्जी चौथे एनर्जी अलग तीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए चौथे बॉन्ड बॉन्ड की लेंथ अलग होनी चाहिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा कि मिथेन के चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी सेम है चारों की बॉन्ड लेंथ भी सेम है अब यह एक्सप्लेनेशन हमें देनी है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि हालांकि अलग अलग ऑर्बिटल ओवरलैप किए फिर भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या है सेम है मीथेन के चारों बॉन्ड जो हैं वो बिल्कुल सेम है उनकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी सेम है जबकि ऑर्बिटल का ओवरलैप अलग अलग है गॉट इट और नॉट और इस थॉट की वजह से हमारे पास हमारी केमिस्ट्री की सबसे बड़ी थ्योरी को बुना गया जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन The most important concept in chemistry is hybridization. और वो कहां से आया वो यही से निकला इसी वजह से निकला तो आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि what do you mean by hybridization? Hybridization तो hybridization क्या है क्या जरूरत है कैसे होती है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये सब कुछ और इसी के ऊपर सारी केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती कुछ नहीं आता है और हाइब्रिडाइजेशन आती है तो नाइनटी परसेंट है ठीक देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन का जो है बायोलॉजी से लिया गया जैसे मैं आप हम अपने पेरेंट्स के हाइब्रिड्स हैं है ना जैसे बच्चा पैदा होता है तो फटाफट -फड़ से लोग बोलने लगे इसकी नाक तो पापा पे गई है है ना इसकी आंखें मम्मी पे गई है है ना क्योंकि हमारे कुछ करेक्टर पापा से आए कुछ करेक्टर हमारे मम्मी से आए तो वी आर हाइब्रिड ऑफ आवर पेरेंट्स ठीक ऐसे ही हमारे जो साइंटिस्ट uh, लोग होते हैं ना बड़ा खुराफाती होते हैं ठीक वो तरह तरह की चीजें सोचते रहते हैं है ना भाई साहब सोचते सोचते रहते हैं हैं ना तरह 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 की की चीजें 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 ऐसे साइंटिस्ट भी यार सोचने से मिलती है भाई इसमें हंसने की कोई बात नहीं है ही इज अ थिंकर विच इज अ वेरी गुड थिंग ठीक उसमें मैं कोई इसको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ ठीक मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि सोचना जो होता है ना बहुत जरूरी होता है साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ना मूली के क्या खाते हैं पत्ते है ना मूली के खाते हम जड़ रादर और साग के क्या खाते हैं पत्ते मूली के खाते हैं जड़ और साग के क्या खाते हैं पत्ते बेटा साग को बॉटनी में बेटा बॉटनी बौ, में इसका नाम होता है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस साग के बोटेनिकल नेम को हम बोलते हैं ब्रासिका कंपेस्ट्रिस और वहीं पर मूली जो है मूली के बोटेनिकल नाम को बोलते हैं राफानस टाइवा ठीक इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं कॉम्पोजिटिव फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं दोनों की फैमिली सेम है तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इन दोनों के और जड़ जो हो मूली वाली हो कितना होगा तो इन्होंने क्या किया? इसका हाइब्रिड बना दिया इसी को बोलते हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग है ना तो इन्होंने हाइब्रिड बना दिया और हाइब्रिड बना करके एक प्लांट बनाया जिसको बोलते का एक ऐसा प्लांट था जब उन्होंने बनाया ये थॉट थी कि मूली के क्या बनेंगे मूली की जड़ होगी और पत्ते साग के एक चीज से दो चीजें मिलेंगी और हुआ क्या पत्ते हो गए मूली के जड़ होगी साग की ठीक दोनों में से कुछ भी नहीं मिला ठीक इसको New Sense of Science के नाम से भी जानते रहे ही, साइंटिस्ट बड़े खुराफ आते होते ठीक आप लोग आ, कभी वैष्णो माता गए होंगे या ऐसे कहीं गए होंगे तो आप सोच रहे घोड़े पे आपने फोटो खिंचाई होगी आप गलत तो है घोड़े पे नहीं आपने खच्चर पे फोटो खिंचाई है ठीक समझ में आई क्या है बेसिकली क्या होता है जो घोड़ा होता है ना घोड़ा घोड़ा बहुत तेज भाग सकता है लेकिन घोड़ा घोड़ा भाई समान नहीं उठाता ज्यादा है ना बंदे के ठाट है थोड़े से तो समान नहीं उठाता हो ज्यादा और गधा गधा ही होता है है ना तो गधा समान बहुत उठा लेता है पर चलता नहीं ज्यादा है ना स्लो चलता है ठीक तो इन्होंने क्या किया घोड़े और गधे को ब्रीड करवा दिया और इसके करेक्टर मिक्स करवा के एक नई चीज बनाई जिसको बोलते खच्चर है ना म्यूल एंड हिनी तो ये जो खच्चर है ये समान भी ज्यादा उठाते हैं और भागते भी तेज हैं ठीक एक नया हमारे पास वेराइटी बनी ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग जैसे बेटा रेड कलर है और वाइट कलर है हमने मिक्स किया मिक्स करके एक नया टोन बना दिया पिंक कलर ठीक और ये पिंक क्या है इसमें रेड का करेक्टर भी है इसमें व्हाइट का करेक्टर भी है बट नीदर इट इज रेड नॉर इट इज व्हाइट एक न्यू चीज है इसको बोलते हैं हाइब्रिड तो हाइब्रिड क्या होता है इंटरमिक्सिंग अब यहां पे जो समझाना ध्यान से समझना क्योंकि इसमें ऐसे से क्वेश्चन दूंगा बेटा जो तुम पूछोगे ना तो नाइनटी परसेंट टीचर तक गलत जवाब देंगे स्टूडेंट तो छोड़ो ठीक टीचर्स की बात करो नाइन टीचर तक गलत आंसर देंगे तो थोड़ा ध्यान से समझना हाइब्रिडाइजेशन का यह मतलब तो समझ में आ गया कि इंटरमिक्सिंग है ठीक पर इंटरमिक्सिंग तब करवाने की जरूरत है अगर एक से ज्यादा टाइप के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हो अगर बॉन्डिंग में एक से ज्यादा टाइप के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हो तब मिक्सिंग की जरूरत है अदरवाइज़ तो कुछ नहीं अगर दो पार्टिसिपेट कर रहा है और एक पी भी पार्टिसिपेट कर रहा है तब, तो है। हाँ, रहा और रहा, तब हमारे पास बॉन्ड का प्रॉब्लम आया ना तो तब हमने हाइब्रिडाइजेशन का बेटा हाइब्रिडाइजेशन एक प्योर है इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है हमारे no एक्सप्लेन हम हम करते और उसके, आ, कोई हमारे पास है ही नहीं प्रूफ कोई एंटी आर्ग्यूमेंट ही नहीं है हम जिस चीज को इससे एक्सप्लेन करते बिल्कुल सही एक्सप्लेन होती है तो हमने सोच लिया कि ऐसा होता होगा ठीक है क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं हमने बोला इंटरमिक्सिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप टाइप ऑफ और ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स टू गिव अस टू गिव अस अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स a new set of orbitals having having equivalent equivalent energies energies and shapes is called as hybridization intermixing of two or more type of orbitals टू गिव अस अ न्यू सेट ऑफ ऑरबाइटल्स ठीक और यहां पर यह भी लिख देना चाहूंगा इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑरबाइटल्स विद सिमिलर एनर्जीज विथ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज देखो सेम तो हो नहीं सकती ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज एनर्जीज टू गिव अस अ न्यू सेट ऑफ ऑरबाइटल हैविंग इक्वलेंट एनर्जीज एंड शेप्स

है ना भाई पर ऐसा बना नहीं ना क्यों नहीं बना भाई क्योंकि इनमें लार्जली डिफरेंस है ठीक इनकी दोनों फैमिलीज अलग अलग है सिमिलरली बेटा ऑर्बिटल भी वही ओवरलैप हो सकते वही इंटरमिक्स हो सकते जिनकी एनर्जी लगभग सेम हो लगभग सेम बिल्कुल सेम किसी की नहीं होती है लगभग सेम हो तो हमने बोला इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ आर टाइप इज इंपॉर्टेंट वर्ड जो बुक्स में नहीं लिखा रहता ठीक टाइप इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड जो बुक्स में नहीं लिखा रहता है तो बोला इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स टू विद ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज टू गिव अस अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी और एंड शेप्स ठीक दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन और जो ऑर्बिट्स बनते उसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं जैसे प्यारे बच्चों हम कार्बन से शुरुआत किए थे ठीक तो जो कार्बन है कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन हमने पढ़ी कि इसमें 2s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक और p में भी कितने होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसा बोला था हमने ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन लेकिन एक्साइटेड स्टेट में हमने बोला ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट हो जाता है तो आफ्टर एक्साइटेशन जब हम इसकी एक्साइटेशन करवा देते हैं ठीक एक्साइटेशन तो एक्साइटेशन के बाद मान लो कार्बन में अब ऑर्बिटल ऐसे आ गए कि एक यहां पर आ गया और तीन यहां पर आ गए अब बॉन्ड बनने से पहले ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो गए भाई यानी इंटरमिक्स हो गए इंटरमिक्स हो करके इन्होंने एक सेट ऑफ ऑर्बिटल दे दिया कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए चार तो आंसर में कितने ऑर्बिटल बनेंगे चार ही बनेंगे ठीक ये चार नए बन गए इन सब की एनर्जीज और शेप्स क्या है सेम है अब ये एस नहीं जैसे यहां पे ये एस था और ये पी थे ना भाई अब नीदर इट इज एस नॉर इट इज पी ये एक एस और तीन पी मिलकर बने हैं तो हमने इसको बोल दिया एस पी थ्री अब ये ऑर्बिटल कैसा है sp3 है नीदर इट इज s नॉर इट इज p इट इज sp3 ऐसे ही ये भी sp3 है ऐसे ही अब ये भी sp3 है और ऐसे ही, ही अब ये भी sp3 है और इसमें ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लियर हो गया अब जब हाइड्रोजन इस पे ओवरलैप करेगा बेटा ठीक हाइड्रोजन ने इसको ओवरलैप किया ये लो एक हाइड्रोजन ने यहां एक यहां एक यहां और एक यहां अब क्या हुआ ये सारे के सारे ओवरलैप जो हैं ये सारे के सारे sp3 के साथ किसके ओवरलैप है s के साथ तो सेम ओवरलैप हो गए अगर सेम ओवरलैप हो गए तो बॉन्ड लेंथ सेम होगी बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी तो हमने पढ़ा कि होता क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते समय आपस में क्या हो जाते हैं हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल देते हैं जिनकी एनर्जीज एंड शेप्स क्या होती हैं सेम होती हैं तो उनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं ठीक तो ये हाइब्रिडाइजेशन का हमें एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है, है। बट समझ वैसे समझा रहा हूं क्लियर हो गया जैसे में तुम्हें 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 बात कर रहा था जो चीजों की मैं बात कर रहा था आपके साथ अगर अब किसी को पूछना है ना कभी किसी को पूछना बोलना एफ टू में फ्लोरिन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या पूछना एफ टू में फ्लोरिन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ मैं गारंटी से बोलता हूं नाइनटी परसेंट एसपी थ्री बोलेंगे क्या बोलेंगे एसपी थ्री क्यों बोलेंगे बोलेंगे एक फ्लोरिन जो है उसकी कंफिग्रेशन टू एस टू और टू पी फाइव है ठीक एक दो तीन चार पांच और दूसरा फ्लोरिन जो है उसकी भी बेटा ऐसे ही हमारे पास एक दो तीन चार पांच ऐसे है ठीक

ठीक तो आपने बता देना बोलना ठीक है दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते ऑक्सीजन एक जो है उसमें ये है और दूसरे में एक दो तीन चार ये है भाई और एक ऑक्सीजन ये है ठीक और उसमें हमारे पास एक दो तीन चार है एक बॉन्ड यहां बनता है एक बॉन्ड यहां बनता है ठीक है दो बॉन्ड बन गए ठीक तो बोलना इसमें क्या अलग अलग तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए ये दोनों ही कौन से हैं पी के तो इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है तो इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, दोस्तों, ना ही इसमें होती है के करे, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है बोलो क्लियर yes, कल को तुमने किससे ऐसे पूछना चलो ये तो फिर कोई बूझ जाएगा ना ठीक लेकिन कभी किससे पूछना कि मेरे पास क्लोरोबेंजीन है क्या है क्लोरोबेंजीन बोलना इसमें क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ है ना क्या क्लोरीन की गारंटी से बोलता एसपी टू बोलेंगे 99 नाइन परसेंट एसपी बोलेंगे उनको बोलना यार क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाना इसमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत कब है जब एक से ज्यादा तरह के तभी तो मैंने बोला ये जो टाइप वर्ड है ना टाइप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना मैंने ये नहीं बोला कि एक से ज्यादा ऑर्बिटल यहां तो एक से ज्यादा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे पर टाइप सेम है ना तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी हाँ यहां पे एस भी पार्टिसिपेट कर रहा है पी भी दो डिफरेंट टाइप के पार्टिसिपेट कर, तो कर रहे तो हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे अब कोई मामू ऐसा कैसा हो बोलेगा अच्छा ऐसे बोला तुम्हारे तो टीचर ने फिर गलत है बोला अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं जी हम किसका अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं बोलेंगे नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन जो होती है वो 2s2 2p3 है है ना तो बोलेगा जी देखो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है और यहां अमोनिया में हुआ ऐसा कि इसने 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 बॉन्ड बनाए अब तीनों तो पी ऑर्बिटल यूज हुए आपके टीचर ने बोला कि सेम टाइम के ऑर्बिटल अगर होते हो तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती जबकि अमोनिया के हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है है ना तो आपके टीचर ने गलत पढ़ाया उन्हें तो गधा है क्यों ये जो हमने रखा है ना ये इसलिए रखा है कि कल को अमोनियम आयन जब बनता है ना तो H पॉजिटिव जो है वो बॉन्ड बनाता है ठीक H पॉजिटिव जो बॉन्ड बनाता है वो लोन पेयर इसके साथ क्या करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी पता कौन वाले H पॉजिटिव ने बनाया क्या हमें पता कि इसने बनाया इसने बनाया इसने बनाया इसने, बनाया, इसने बनाया। हम जो एक पॉजिटिव लिया कोई भी और इसका मतलब सारे ऑर्बिटल क्या होते होंगे सेम इसलिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 बताई जाती जस्ट टू

तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है अभी क्लियर हो गया yes, अब चलो लिखते हैं ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या है अभी तो हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को समझा है लेकिन अभी पूरी तरह समझ नहीं आया है अभी तो सिर्फ एक डेफिनेशन पता चली कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स सो एज टू ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज एंड मेक द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स

जैसे हम मान लो किसी पिकनिक पे गए तो आधे बच्चे सेब लेके आ गए आधे बच्चे केले लेके आ गए अब हर बंदे को केला भी चाहिए सेब भी चाहिए ठीक तो हम क्या करेंगे वो एक बकेट में सब कुछ रखवा देंगे इंटरमिक्स कर देंगे और फिर सभी को एक एक केला एक एक सेब बांट देंगे ऐसे ही हमने क्या किया जैसे ये बॉन्ड बनाने के लिए काफी सारे ऑर्बिटल थे ना आपस में इंटरमिक्स किया एनर्जीज को इंटरमिक्स किया एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल दे दिया जिसकी एनर्जीज और शेप्स सेम होती हैं ठीक क्योंकि कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ना

characteristics characteristics of hybridization हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमने वैसे ही समझ लेना है कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट डू नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल एविडेंस ठीक तो पहली बात

समझ में आई तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन तीसरी बात तीसरी बात कहता है कि इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इन हाइब्रिडाइजेशन, हाफ फील्ड वेकेंट इवन फुली फील्ड कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड हाफ फील्ड फुली फील्ड फुली फील्ड और इवन वेकेंट और कैन पार्टिसिपेट बेटा हाइब्रिडाइजेशन में फुली फील्ड फुली फील्ड हाफ फील्ड इवन वेकेंट कैन पार्टिसिपेट ठीक है जी जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं मीथेन की बात करता हूं इन मीथेन मीथेन की बात करता हूं तो मीथेन में हमने पढ़ा कि कार्बन जो होता है ग्राउंड स्टेट कंफिग्रेशन उसका क्या बोला 2s2 2p2 है ना जी यानी कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स और p में भी कितने इलेक्ट्रॉन ठीक अब बेटे देखो चार यहां पे जुड़ने हैं तो इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एक्साइटेड तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट हो गया तो जब हमने एक्साइट किया यहां पे हुआ एक्साइटेड स्टेट ठीक एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर गया ठीक है जी अब हमारे पास ये सारे के सारे ऑर्बिटल जो है ये हाइब्रिडाइज हो गए ठीक अब क्योंकि एक एस और तीन पी के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज है हुए हैं इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हम अभी दे देते हैं sp3 थ्री एक एस का और तीन पी के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज़ हुए कितने ऑर्बिटल बने हैं बेटा चार बने हैं तो चार ही बनेंगे बेटा जी अब ये जो चार बनेंगे वो एक दो तीन चार ये चार बनेंगे चार चारों के चारों कैसे थे हाफ फील्ड तो सभी हाफ फील्ड ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर और फिर इसके साथ हाइड्रोजन ने यहां बॉन्ड बनाया यहां बॉन्ड बनाया यहां बॉन्ड बनाया यहां बॉन्ड बनाया और सारे ओवरलैप क्या हो गए sp3 s सेम बॉन्ड्स हो गए इसी तरह से लेट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया ठीक अब अमोनिया में जो नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट थी बेटा नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट उसकी कंफिगुरेशन 2s2 2p3 गॉट इट यानी कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हमारे को तीन ही बॉन्ड बनाने हैं, ठीक तो हमने क्या किया इन चारों को आपस आप में, इस में नहीं 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 है है। इसलिए तो नाइट्रोजन पेंटावेलेंसी कभी शो नहीं करता बेटा आगे जाके ऑर्गेनिक में बहुत काम आता है ठीक नाइट्रोजन नेवर शोस पेंटावेलेंसी क्यों नहीं शो करता पेंटावेलेंसी भैया तो एक्साइटेशन होगी कैसे कोविली बढ़ेगी कैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है pcl5 does not exist rather ncl5 does not exist ncl5 does not exist why because n cannot extend its covalency beyond four why क्योंकि उसमें वीकेंड डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो एक्साइटेशन होनी नहीं है क्लियर हो गई इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गई एक s ऑर्बिटल तीन p के आपस में ओवरलैप करके एक नई हाइब्रिडाइजेशन बनाई जिसको हमने बोला sp3 कितने ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हुए चार इसलिए बने भी कितने होंगे चार ठीक है जी और सारे के सारे sp3 होंगे अब यहां पर ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास यहां हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया यहां हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया यहां हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया आपने देखा इसमें फुली फिल्ड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन और नॉट सो फुली फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन सिमिलरली इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ bh41 नेगेटिव bh41 नेगेटिव हम इसमें लेते हैं बोरॉन बोरोन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन क्या होती है 2s2 2p1 यानी यहां पर दो इलेक्ट्रॉन हैं और p में कितने हैं p में एक इलेक्ट्रॉन है एंड व्हेन यू कैन से इट इज एक्साइटेड इट इज एक्साइटेड टू दिस सो ऑन एक्साइटेशन जब हम इसकी एक्साइटेशन करते हैं ठीक तो हमारे पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और यहां पे कितने आ जाते हैं एक दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अब इन चारों को हमने हाइब्रिडाइज किया हमें चार बॉन्ड बनाने हैं एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन होती जितने ऑर्बिटल की जरूरत है तो चार बॉन्ड बनाने हैं तो चारों को हाइब्रिडाइज करके हमने यहां पर एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दिया जिसमें कितने ऑर्बिटल हैं भैया चार हैं और ये सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3 एक s का तीन p अब देखो यहां पर भाई देना। से लगा है सो so, यहां पर एक दो तीन अब देखो बेटा इसमें हमारे पास एक एच ने यहां पार्टिसिपेट किया एक एच ने यहां पार्टिसिपेट किया एक एच ने यहां पार्टिसिपेट किया और प्यारे बच्चों एक एच नेगेटिव रहा होगा जिसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दिया होगा एच नेगेटिव रहा होगा जिसने यहां दिया होगा अब आप देखो यहां ने भी पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया तो डिड आई प्रूव माय पॉइंट कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रेडाइजेशन तो ऑर्बिटल ऐसा नहीं जैसे हमने उसमें पढ़ा था वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ हाफ फील्डिकल्टिपेट करते हाइब्रेडाइजेशन में हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट कर जाया करते हैं बोलो क्लियर अगली बात अगली बात बोलता है कि आई थिंक सो इट इज फोर्थ ओके अगली बात ये क्या कहता है कहता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स गेटिंग हाइब्राइज भैया जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए उतने ही हाइब्राइज ऑर्बिटल बने मतलब मतलब ये यहां कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए थे चार तो बने भी कितने चार यहां कितने गए थे भाई चार तो बने भी कितने चार यहां पे कितने गए थे चार तो बने भी कितने चार जितने अटोमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे हाइबाइज ऑर्बिटल बनेंगे कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं गए ये नहीं भी इंटरमिक्सिंग हो गई केला कोई खा गया वो वाला काम नहीं यहां पे जितने हाइब्रिडाइज किए उतने एज इट इज मिलेंगे बोलो क्लियर हो गया कि नहीं ओके okay. अगली बार लिखेंगे ऑल हाइब्राइज ऑर्बिटल हैव सेम

यही शेप बताई आपको मैंने दिस इज अब ऑर्बिटल ठीक इसमें एक लोब बड़ी है एक लोब छोटी है अब कोई मेरे को बोलता है सर एक लोब बड़ी क्यों हुई बेटा ये एक लोब बड़ी कर, कर दी बेटालैप सो एज टू परमिट मोर ओवरलैप सो टू परमिट मोर ओवरलैप ताकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड बने ठीक तो क्या होता है इसकी एक लोब हाइब्रिडाइज होने का बड़ी हो जाती है सो एज टू परमिट मोर ओवरलैप यहां पर लिख सकते हैं ठीक वन लोब वन लोब बड़ी बिगर सो एज टू परमिट मोर ओवर लेप एंड फॉर्म एंड फॉर्म अ स्ट्रोंगर बॉन्ड अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ठीक आर यू क्लियर ठीक उसके बाद हमारे पास आ जाता है ठीक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्डिटर सिर्फ बनाते, पाई बनाते, नहीं। क्यों नहीं बनाते पाई? क्या दोनों ओवरलैप हो जाए ये बड़ी बड़ी टुंडी ये छोटी छोटी टुंडी ऑब्वियसली दो सुमो पहलवान जब भी नहीं पा सकते भाई। पेट अड़ेंगे कि नहीं अड़ेंगे भाई तो हाथ यू ही रखने पड़ेंगे समझ रहे मेरी बात तो अब क्या हो गया एक साइड से लोब इतनी बड़ी है दूसरी लोब इतनी छोटी कि आपस में कभी भी पाई बॉन्ड बनाते नहीं ठीक ये बनाते क्या है सिग्मा बॉन्ड सो ये एंड टू एंड ओवरलैप ही होता है वाइज हो ही नहीं सकता है सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म पाई सॉरी सिग्मा बॉन्ड हाँ एक एक्सेप्शन हम देते हैं बट इन बेंजाइन इन बेंजाइन इन बेनजाइम हाइब्राइज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स आर कंसिडर्ड आर कंसिडर्ड टू फॉर्म टू फॉर्म पाई बॉन्ड बेटा बेंजाइन बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है अरे ये मत सोचना कि सर ने बेंजीन की स्पेलिंग गलत लिख दी बेंजीन एक अलग बात है बेंजाइन एक अलग बात है बेंज़ाइन होता है इस तरह का एक इंटरमीडिएट होता है ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है इसको बेंज़ाइन बोलते हैं बेटा बेंज़ाइन में हम ये थॉट ऑफ रखते हैं सोच करके रखते हैं कि हमारे पास ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसने बेटा पाई बॉन्ड बनाया है ठीक इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ठीक और उसने पाई बॉन्ड बनाया है ठीक अब बोलोगे सर जहां मर्जी जो मर्जी करते रहते हो ठीक कोई लॉजिक कोई रीजन भी तो होता है आपने बोल दिया बैनजाइन पापे का राज है जहां मर्जी बनवा दो अरे भाई इसका एक लॉजिक है क्यों हम बोलते हैं यहाँ पर देखो लॉजिक ये है कि बैनजाइन एक्चुअली जो होता है ना देखो कंसेप्ट का खेला नहीं जा सकता हर कंसेप्ट का क्या होता है एक वजह होता है ठीक अगर कोई एक्सेप्शन में तुम्हें बताता हूं दुनिया में कोई एक्सेप्शन केमिस्ट्री में ऐसी नहीं जिसका लॉजिक नहीं है सिवाय कुछ एक ऐसी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जिसके लॉजिक तक आज तक हम पहुंच पाए नहीं है ये नहीं है कि उसका लॉजिक नहीं होता होगा उसका लॉजिक होता होगा लेकिन अभी हमारी साइंस उतनी तरक्की पे नहीं है कि हम उसको समझ सकें लेटर ऑन वो भी आपके सामने आएगा ऐसा ही क्यों होता होगा उसमें ठीक बट इसमें क्या था कि ये एक्चुअली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ठीक ये एक्चुअली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक जगह नेगेटिव चार्ज एक जगह पॉजिटिव चार्ज यानी एक जगह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मींस लोन पेयर ओके और पॉजिटिव चार्ज मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल है ना तो बेसिकली यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है और क्योंकि चार्ज की सेपरेशन ये चार्ज सेपरेशन कहलाती है अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो तो उसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन क्योंकि चार्ज की सेपरेशन मॉलिक्यूल को लेस स्टेबल बनाती है तो हम बोल देते हैं कि भैया ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि हम इसको थोड़ा ज्यादा स्टेबल एक्सप्लेन कर सके अदरवाइज यहां पे स्टेबिलिटी बहुत कम होगी बोलो क्लियर बट आपको इतनी अभी टेंशन नहीं अभी ये आगे आएगा ठीक आप ये समझ लो कि बेंजीन एकमात्र दुनिया में एग्जांपल है जिसमें सिर्फ एक ही जिसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते अदरवाइज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं बोलो क्लियर और नॉट ठीक अगली बात अब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं समझ में आ गया नाउ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस वही टू मिनिमाइज रिपल्शन

मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी मैक्सीमाइज स्टेबिलिटी टू गिव अस टू गिव अस शेप्स एंड जेमैटरीज शेप्स एंड जेमेटरीज

So, इसकी वजह से हमारे पास ये ऐसे अलाइन करेंगे अपने आप तो, एक टुंडी बड़ी एक टुंडी छोटी ऐसे एक टुंडी बड़ी एक छोटी और इसके बीच में एंगल कितने का 180 डिग्री देर फॉर गिविंग स्ट्रक्चर लीनियर देर फॉर गिविंग स्ट्रक्चर लीनियर इससे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा लीनियर हो जाएगा ठीक ऐसे बेटा अगर sp2 हुआ तो sp2 में तीन तीन ऑर्बिटल हो गए एक s के तीन दो p के तो कितने हो गए तीन तीन को कैसे बांटोगे थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री वन ट्वेंटी तो ये वन ट्वेंटी पे होंगे एक ऑर्बिटल बड़ा छोटा एक ऑर्बिटल बड़ा छोटा एक ऑर्बिटल बड़ा छोटा है ना जी है ना बन गया रजनी का फूल ठीक तो हमारे पास कैसी शेप बन गई भाई ट्राइगनल प्लेनर बन गई कि नहीं है ना और ये इसीलिए इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या बताओगे भाई 120 डिग्री ना तो वैसे ही जहां पे हम इलेक्ट्रॉन पेयर मानते थे अब इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह क्या मानेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह क्या मानेंगे ऑर्बिटल्स सेम रहेगा सिर्फ वो जो आपके पेयर थे पेयर्स की जगह आप क्या बात करेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जैसे मान लो कल को मैं बोलता हूं एसपी थ्री एसपी थ्री में कितने करेक्टर हो गए भाई चार हो गए और चार एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हो, कैसी ज्योमेट्री बनाते हैं टेट्रा हिड्रल तो भेट्राडल बना देंगे एक, ये बड़ी 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 छोटी 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 और बड़ी छोटी है ना जी तो ये हमारे पास हो गया टेट्रा हिड्रल ठीक और बॉन्ड एंगल कितना होगा वन हंड्रेड नाइन पॉइंट फाइव डिग्री

ओवरलैप तो इसके ऊपर होगा जैसे मिथेन बनाना तो हाइड्रोजन यहां पे ओवरलैप किया ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुए ना एक ही के। बेटा, एक ही ही एटम एटम के के बेटा हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स में है अलग अलग में नहीं एक बार कंफ्यूजन को क्लियर कर लो बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये कभी नहीं सोचना है कि यहां पे एक एच यहां पार्टिसिपेट कर रहा है और तीन एच यहां इसलिए SP3? नहीं 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 ये सारे कार्बन के ही ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन सेम ऑर्बिटल सेम एटम के ऑर्बिटल्स में है अलग अलग में नहीं है ये नहीं सोचने का तो इसमें इसमें हुई? इसमें नहीं, भाई। में नहीं हुई यहां पर हमारे पास ये ऑर्बिटल किसके बनाए मैंने ये तो एक ही एटम के ऑर्बिटल है इसके बाद इसके ऊपर क्या होगा ओवरलैप होगा बच्चे समझ में आई बात क्लियर और वो अब ये लोप बड़ी थी इसलिए अगर मान लो हाइड्रोजन ओवरलैप करना है तो ऐसे कर लिया ओवरलैप ज़्यादा हो गया अगर ये दोनों लोग बराबर होती तो हाइड्रोजन का ओवरलैप क्या होता कम होता बॉन्ड थोड़े वीक बनते बेटा। हो गया? समझ में आ गया ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी हाइबाइज सिर्फ सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही होते, बहुत ज्यादा डिफरेंट एनर्जीज वाले हाइब्रिडाइज नहीं होते गंदर कभी नहीं बनेगा है ना गधा और बंदर आपस में कंबाइन करके गंदर कभी नहीं बनेगा ऐसा कोई प्राणी नहीं बन सकता है ना गधे की तरह सोचता बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ जाए हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं ठीक <laughs> फिर भी है ना, तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग

तो हम बोलेंगे ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज सिमिलर एनर्जीज जिनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा फर्क है बेटे वो आपस में कभी हाइब्रिडाइज़ नहीं हुआ करते हैं बोलो क्लियर हो गया कि नहीं अगली बात नाइन्थ मोर इज द एस कैरेक्टर स्मॉलर इज द हाइबाइज ऑर्बिटल मोर इज एस कैरेक्टर स्मॉलर स्मॉलर इज हाइब्रिडाइज्ड orbital जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है ना बेटा उतना हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल छोटा होता है जैसे बेटा देखो अगर मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है और उसकी शेप मेरे पास ये है अब इसमें देखो दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उसमें s का एक एक p का यानी दो में से एक यानी 50% s कैरेक्टर हुआ कि नहीं तो यहां s कैरेक्टर कितना है 50% s कैरेक्टर है ना अब मान लो यहीं पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करता sp2 में कितना s कैरेक्टर होता 33. अप्रोक्सिमेटली 33% लिख दे है ना तो मतलब 30 33.3 इसका थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ऑर्बिटल ठीक और वहीं पर अगर कल को मैं एसपी थ्री लिखूंगा तो ऑर्बिटल और भी बड़ा हो जाएगा जितना एसकरेक्टर कम होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उतना लंबा होगा और उतना बड़ा होगा जितना एसकरेक्टर ज्यादा होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उतना छोटा होगा ठीक मोर इज एस करेक्टर स्मॉलर इज हाइब्राइज ऑर्बिटल क्यों क्योंकि बेटा एस जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली खींचता है एस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली खींचता है

कि भैया मेरे पास ये तीन सी से एच के बॉन्ड है एक सी से एच का बॉन्ड ये है एक सी से एच का बॉन्ड ये है और एक सी से एच का बॉन्ड ये है ठीक है जी इस बॉन्ड को नाम दे दिया ए इसको बोल दिया बी और इसको बोल दिया सी कह दिया अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या बोल दिया अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अरेन्ज इन दॉन्ड लेंथ प्यारे बच्चो ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना ये आगे क्लियर करूंगा एसपी हाइवाइज होता है कैसा होता है एसपी हाइवाइज ठीक ये एसपी से एस का ओवरलैप है यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन इज एक्चुअली एसपी टू हाइवाइज ये एसपी टू का एस के साथ ओवरलैप है सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज एस पी थ्री हाइड्राइज ठीक तो ये एसपी से एस का ओवरलैप है क्या यहां एस करेक्टर ज्यादा है कि नहीं तो बॉन्ड छोटा है, और यहां S कम है तो बॉन्ड बड़ा है तो ऑटोमेटिकली लेंथ सी की ज्यादा देन बी देन ए बोलो समझ तो नहीं आ रहा है yes. हाँ गया चलो बहुत ही अच्छी बात है वेरी नाइस nice. तो हां जी बेटे जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना ऑर्बिटल छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी तो छोटी होगी ओवरलैप से ही बनना है ना अगर ऑर्बिटल ही छोटा है तो भैया बॉन्ड बड़ा थोड़ी बन जाएगा समझ है मेरी बात तो ये सी बी और ए क्योंकि सी में आपका एस करेक्टर सबसे कम था इसलिए लेंथ सबसे बड़ा उसी तरह से बेटा ये बॉन्ड लेंथ अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करते आप किसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं है ना तो बॉन्ड एनर्जी इससे उल्टी हो जाती है भाई ठीक क्यों एस एसक्रेक्टर ज्यादा होगा न्यूक्लियस की इंफ्लुएंस ज्यादा होगी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखेंगे तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी समझे तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लग जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी बोलो समझ में आया कि नहीं मोर इज एस एसक्रेक्टर मोर इज बॉन्ड एनर्जी एंड स्मॉलर इज बॉन्ड बोलो क्लियर नो नेक्स्ट बात आई थिंक सो इट इज टेंथ वन इलेवेंथ वन टेंथ मोर इज एस कैरेक्टर मोर इज एस कैरेक्टर मोर इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मोर इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में

मुझे बोल दिया कि जो ये जो हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगाए हैं ना भैया ये हाइड्रोजन इसको नंबर दे दिया बोला ये हाइड्रोजन नंबर वन है ये हाइड्रोजन नंबर टू है ये हाइड्रोजन नंबर थ्री है और बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ अरेंज इन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा हमने उसको देखना है ठीक देखो बेटा क्या है इसका एसकरेक्टर ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा खींचेगा तो एच के ऊपर ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज आएगा आएगा तो कोई भी बेस इसको आसानी से निकाल पाएगा क्योंकि बेस नेगेटिव होता है बेस ऐसा होता है जो एच पॉजिटिव को निकाल सके जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना आसानी से बेस निकालेगा समझ में आई तो क्योंकि यहां पर एसकरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आर मोर टूवर्ड कार्बन एंड चीके मारेगा yeah. हमारे पास क्या होगा एस करेक्टर थोड़ा सा कम है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी थोड़ी कम है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा सा कम है चीके थोड़ी कम है तो इसको बेस को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है और यहां पे बहुत ही कम एस करेक्टर सुख शांति से बैठे हुए आराम शांति से कोई दिक्कत नहीं है ना तो यहां पर तो चीके जो है वो सुनाई नहीं दे रही किसी को है ना तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया तो अगर हम एसिडिक एसिडिकेक्टर की बात करेंगे किसका ज्यादा होगा वन इज ग्रेटर देन टू इज ग्रेटर देन थ्री वाई मोर इज एस करेक्टर इज इलेक्ट्रॉनिटी मोर टाइप इज इलेक्ट्रॉन विल बी हेल्ड एंड बिकम्स मोर पॉजिटिव उट मोर इी मोर पॉजिटिव हाइड्रोजन मोर पॉजिटिव हाइड्रोजनोर के, के रिविजन yes, so, दे देता हूं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना रहे देखो भाई मैंने आपको बोला कि एक तो सबसे पहली बात है थॉरिटिकल्ट ठीक दूसरा बोला हाइब्रोडाइजेशन टू एक्सप्रेस एट देशन तीसरा बोला हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड फुली फिल्ड सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड जो भी नीड है है, तो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए है तो हमारे को नीड होगी हम करेंगे नहीं होगी नहीं करेंगे भाई। समझ में उसके भाई जितने हाइब्रिडाइज होंगे उतने मिलेंगे बाद बोला ऑल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड शेप्स लंबी छोटी फिर बोलता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्म ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसके बाद हमने बात की कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड इन स्पेस टू एस टू मिनिमाइज दी रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी और इसी वजह से हमें शेप्स एंड ज्योमेट्रीज मिल गई इसी वजह से हमें शेप्स एंड ज्योमेट्रीज मिल गई ठीक फिर

लेट वी मूव फर्दर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ठीक टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पहले तो टाइप बता देता हूं फिर एक एक करके एक्सप्लेन करते रहेंगे ठीक देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप्स हैं बेटा हमारे पास होती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है SP2 hybridization. हमारे पास होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हुआ करती है hybridization. होती है d छठी होती है छठी होती है sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक इसके अलावा वी कैन हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। डी थ्री एस पी थ्री डी थ्री एस ठीक बेटा जिसमें बाहर के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे एस के बाद, बाद। एस के बाद वाले देखो यहां एस के साथ एक पी या एस के साथ दो पी यहां मेरा पॉइंट फिर से क्लियर होता है कि क्या मैं कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन पी टू लिख रहा हूं पी ओनली पी टू या ओनली पी थ्री लिख रहा हूं क्या इसका मतलब सेम ऑर्बिटल अगर जब तक मेरे पास ऐसे साथ में नहीं आया बिना एस के कोई हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं क्या मैं है ना तो एटलीस्ट डिफरेंट तो होने चाहिए तभी तभी हाइब्रिडाइजेशन होती है सेम में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती कोई पी टू पी थ्री इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी है हमारे पास एक एस तो है ही है फिर उसका पी भी हो डी भी हो बात अलग है जिसमें इसके बाद वाले ऑर्बिटल इनको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस आउटर ऑर्बिटल हमारे प्लस वन के सिलेबस में हम यही पढ़ेंगे आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस और ये जो है जिसमें अंदर के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे पहले वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं इनको बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रेडाइजेशन इनर डी ऑर्बिटल अब जो इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस होती है बच्चों ठीक ये प्लस टू में पढ़ाएंगे आपको में ठीक क्योंकि अभी तो इसका लॉजिक वैसे नहीं समझ में आएगा ठीक तो आप सिर्फ ये छह तरह के हाइब्रिडाइजेशन में सब करने वाले हो sp sp2 पी SP3, sp3d sp3d2, SP3D2 sp3d3 थ्री डी टू एस थ्री डी थ्री ठीक ये तो छह तरह के हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो प्लस वन में पढ़ेंगे बाकी बड़ी सारी तरह की ठीक बट मेनली आपको जो दिखाई है इतनी ही होती है वैसे कई चीजों को एक्सप्लेन इट इज अ थ्योरटिकल कांसेप्ट मैं तो कई चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कई तरह के हाइब्रिडाइजेशंस को बोला जाता है ठीक ओके अब चलते हैं बेटा एक-एक करके सारी हाइब्रिडाइजेशंस को तसल्ली से पढ़ते हैं ठीक कौन सी कैसे होती है फिर लास्ट में तुम्हें बताऊंगा शॉर्टकट हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ठीक क्लियर तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन को अपन लोग लीनियर हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं क्यों भैया इसमें लीनियर स्ट्रक्चर बनता है ठीक इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट वी टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, वी टेक BECL2 सी लिया एग्जाम्पल हमने BECL2 जस्ट टू एक्सप्लेन फिर मैं बताऊंगा इसमें और कौन कौन हो सकते हैं ठीक देखो बेटा इसमें हमारे पास ये एटम है जिसको सेंट्रल एटम बोलेंगे जिसके आसपास क्लोरीन लग रहे हैं इसको सेंट्रल एटम बोला करते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम इसमें देख रहे हैं ठीक अब बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट कंफिग्रेशन क्या होगी वन टू 2S2, isn't it? Ground configuration यही कि नहीं? अब क्या ये बॉन्ड बना सकता था ये तो बॉन्ड ही नहीं बना सकता था बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक साइड तो करना ही पड़ेगा है ना भाई हाफ फिल्ड तो करने पड़ेंगे ना तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट हो गया ठीक है जी एक्साइटेड स्टेट कंफिग्रेशन अगर हम देखें इसकी तो वो बन गई हमारे पास एक यहां और एक ऑर्बिटल यहां ठीक है जी अब एक एस पार्टिसिपेट कर रहा है एक पी पार्टिसिपेट कर रहा है दो अलग-अलग तो ऑब्वियसली बॉन्ड बनाते समय आपस में क्या हो गए हाइब्रिडाइज हो गए और इसमें एक एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ एक पी तो नाम क्या दे दिया sp कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए लड्डू कितने हाइब्रिडाइज हुए दो दो हाइब्रिडाइज हुए तो दो ऑर्बिटल बने ठीक ये हाइब्रिडाइज नहीं खाली बिना बिना हाइब्रिडाइजेशन के ठीक है जी ये हमारे पास बन गए sp हाइब्रिडाइज अब इसमें ये भी sp है और इसमें ये भी sp है कोई dsp नहीं है दोनों sp है बोलो क्लियर हो गई कि नहीं अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था ठीक अब हुआ क्या होगा एसपी में दो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितने पे रहेंगे 180 पे, तो यहां पर इसका एक ऑर्बिटल मैंने यू शो किया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दो ही शो करने दोस्तों और एक ऑर्बिटल मैंने यू शो किया ये दो ही शो करने कि नहीं करने ठीक अब बेटा ये हो गया sp हाइब्राइज दो ऑर्बिटल्स क्लियर अब एक जगह क्लोरीन यहां था एक जगह क्लोरीन यहां था क्लोरीन के एक और एक ने यहां ओवरलैप किया, किया होगा बेटे जिसका हम ओवरलैप दिखा देते हैं ना उसमें एक टुंडी वैसे छोटी कर देते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन साइड शिफ्ट हो गए क्लियर तो इसमें एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक बैरिलियम का एक क्लोरीन का एक बैरिलियम का और बाकी क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन एक, एक दो तीन चार पांच चाहो तो इन को, इसको में दिखा दो वो लगेगा इसलिए मैं इसको सिर्फ लोन पेयर की तरह दिखा देता हूं नहीं तो आप इधर भी गुब्बारे बना सकते हो ना इसके आसपास है ना पर इसमें एक ऑर्बिटल के दो दो गुब्बारे बनेंगे दोनों लो लोब्स बनेगी ना भाई तो थोड़ा क्लमसी लगता है देखने में इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता ही सीधे ऐसे, ऐसे लिख देता होता ठीक ये आपका बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया अब इसकी शेप कैसी बनी होगी बी सी सी एल एल और इसमें एंगल कितना होता होगा डिग्री दैट इज इट इज कॉल्ड एज लीनियर हाइब्रिडाइजेशन दैट इज वाई कॉल्ड एज लीनियर हाइब्रिडाइजेशन बोलो यहां तक क्लियर तो इसमें एक एस और एक पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया लेकिन अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि पी में तो तीन ऑर्बिटल थे भाई एक पी एक्स था एक पी वाई था एक पी जेड था तो कौन से वाला पी एक्स वाला पी वाई वाला पी जेड वाला पी क्योंकि हम जेड को एक्सेज ऑफ मोलिकुलर सिट्री मानते हैं तो एक ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करवाएंगे तो जेड के तो हम ये बोल देंगे कि यहां पे एक एस प्लस पी जेड ये दो हाइब्रिडाइज़ हुए और इसको हाइब्रिडाइज़ करके दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे ये तो मैंने ऐसे बता दिया ना तुम्हें इसको अगर बनाना होता ऐसे बनाते देखो भाई एक एस ऑर्बिटल था और एक P था ठीक है जी ये आपस में ये दोनों दो बेरिलियम बैरिलियम के हैं ये आपस में ओवरलैप हुए होंगे यानी इंटरमिक्स हुए होंगे क्या ऐसे हुए होंगे सर आपने ओरिएंटेशन चेंज कर अपन ऐसे बना देंगे तो किसी के पेट में दर्द थोड़ी होगा इंटरमिक्सिंग करनी है इंटरमिक्सिंग हो गई और इंटरमिक्सिंग होने के बाद हमारे पास बेरिलियम के आसपास ऐसे प्यारे प्यारे दो छोटे छोटे से बन ठीक। और यहां पर हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180 डिग्री बोलो क्लियर सो दिस इज ऑफ ऑर्बिटलियम क्लियर विच आर यूज ओवर हेयर टू फॉर्म बॉन्ड्स ऑफ क्लोरीन. बोलो क्लियर yes, yeah. हाँ जी yes. हां जी उन्हीं को लोन पेयर बोलेंगे ऐसा yes. नहीं होता बेटा किसी के ऊपर भी जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते वो किसी के ऊपर हो वो लोन पेयर है ठीक है बोलो यहां तक क्लियर yes. अब इस तरह से करके ये आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गया दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सर और कौन कौन सी चीजें ऐसी हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं अब पहली बात अगर आपको लिखना है कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बोलना एक एस का ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करता है एक एस और पी जेड आपस में हाइब्रिडाइज करता है टू गिव एस एसपी हाइब्रिडाइजेशन फॉर एग्जाम्पल लेट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम और बेरिलियम का ऐसा करके दिखा देना और फिर बोलना बेरिलियम क्लोराइड ऐसे बन जाया करता है ये पूरा क्लियर कर दोगे बोलो क्लियर हो जाएगा yes, जो मुंह से बोला लिखना भी पड़ता है है ना ऐसा नहीं मुंह से बोला गायब सिर्फ यही वाला लिख के आ गए जीरो नंबर मिलेगा भाई तो तो बोलोगे सर हमने तो वही किया था जो आपने बताया जो मुंह से बोलता लिखना भी पड़ता है क्लियर और एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल्स विच आर शोइंग एसपी हाइब्रिडाइजेशन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो होता है एसपी हाइब्रिडाइज होता है इसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड इसमें कार्बन एसपी हाइब्रिडाइज्ड होता है ठीक इसी तरह से एसिटलीन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच यानी इसको सी टू एच टू प्यार से लिखेंगे तो इसमें कार्बन जो होगा वो एसपी हाइब्रिडाइज्ड होगा एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा एटसेट्रा एटसेक्ट्रा होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी यस एटसेट्रा का मतलब क्या होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी सोचते चले जाओ ठीक कभी तो एंड मिलेगा तो ये हो गया आपके ऐसे एसपी उम्मीद करता हूं पहली हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई कोई दिक्कत इसमें ओके नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन पहले बच्चों जब एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन की तुम बात करते हो ठीक एसपी पी टू में एक एस और कौन सा एस और दूसरा पी एक्स प्लस पी वाई और एनी टू पी और बाइटल ऐसा कोई जरूरी नहीं भाई कि पी एक्स पी वाई हो अरे पी वाई पी सेड भी हो सकता है है ना कोई दो पी में से कोई दो बेटा इसको हम ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन कहा करते हैं दिस इज कॉल्ड एस ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन ठीक फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ बी सी एल थ्री ठीक हमने BCl3 थ्री का एग्जाम्पल ले लिया है ना जी अब BCl3 थ्री में हमारे पास था बोरोन बोरोन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वन एस टू टू एस टू टू पी वन यानी वेलन शेल में एस में दो पी में वन ऐसे बोरो ने एक बॉन्ड बनाना था यहां पे तीन बनाने हैं हमें, तो एक्साइटेशन होनी जरूरी है तो यहां पे एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे ठीक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंपेगा और इसके जंपने के बाद हमारे पास ऐसे करके तीन इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो क्लियर अब इसमें एक एस और दो पी आपस में क्या हो गए हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज हुए तो हमारे पास बन गए यहां पर ये तीन और बाइटल जिनका नाम था एस पी टू ये जो हाइब्रिड नहीं हुआ हमने बड़े रख दिया भाई और इसके अंदर हमारे पास बना एक दो और तीन ऐसे करके जैसे प्यारे प्यारे से बच्चों हमारे पास एक एस हुआ करता था जिंदगी में ऐसे एक पी भी हुआ करता था और ऐसे एक दूसरा पी भी हुआ करता था ये तीन ऑर्बिटल आपस में इं। इंटरमिक्स हुए लो जी इंटरमिक्स करो गोला टुंडी 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 हो गया इंटरमिक्स है ना घूम गया एक, एक दूसरे के बीच में घुस गया <laughs> इंटरमिक्सिंग <laughs> तो इंटरमिक्सिंग हुई और उससे हमारे पास तीन ऑर्बिटल बनेंगे तीन अगर ऑर्बिटल गए गा तो तीन ही बनेंगे ना ठीक तो हमारे पास एक ये बना एक ये बना एक ये बना बीच में बेचारा बोरून था एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां बोलो समझ में आई yes, कि पिछली भी चली गई yes, चलो अच्छी बात है ज्यादा दिमाग में रखना क्या 120 डिग्री ठीक 120 डिग्री और यहां पर शेप कैसी बनी भाई ट्राइगनल प्लेनर बनी ना फोर इट इज कॉल ट्राइगोनर प्लेनर हाइब्राइजेशन वोट अब इसमें आपने बनाना था बीसीएल थ्री लोज ये बोरोन ये एक टूडी दूसरी टूं तीसरी टूडी इसका क्लोरीन की टूंडिया ओवरलैप करेंगी सो so, क्लोरीन यहां पर भी क्लोरीन और यहां पे भी क्लोरीन ठीक है जी बाकी आप उसके आसपास क्लोरीन के आसपास एक दो तीन चार पांच छ दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच ठीक है जी ये BCl3 का एग्जाम्पल बना दिया अपन ठीक तो ये BCl3 का आपका एग्जाम्पल बन गया बोलो क्लियर तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी ठीक फॉर एन एग्जाम्पल और कौन सी चीज है उसकी sp2 में sp2 में बी एफ थ्री भी हो सकता है कार्बोनेट आयन भी होता है नाइट्रेट आयन भी होता है ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ऐसे ही सी टू एच फोर CH2 सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इसमें भी कार्बन है जो आंटी की तरह बात कर रहे हैं इधर ध्यान दो ठीक यहां ध्यान दो आंटी अहमद बने रहो <laughs> क्लियर हो गया ये सारा yes, इसमें एट सेक्ट्रा एट सेक्ट्रा बोलो क्लियर बच्चे एनी डाउट तो ये sp2 टू हो गया चलो जी अभी एसपी थ्री की बारी सर लिखना है जी पीछे कर दो तो बोला करो ना यार बेटा यही से हमारे पास शेप मिल गई ना वो तो ओवरलैप है उसका बॉन्ड है ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में रहेंगे बॉन्ड अरे यार देखो ओवरलैप तो उसी हो अगर मान ले ये यह यहां तो ओवरलैप ही तो रहेगा ना अब ऐसा नहीं होता है बॉन्ड ऐसे ओवरलैप है फिर पॉसिबल ही नहीं तो शेप वही रहेगी ना पुत्र हाँ जी हाँ जी ये 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 कोई शेप नहीं होती तो इंटरमिक्सिंग दिखा रहा हूं कि घुस गए आपस में ठीक ये कोई शेप नहीं है यार ये तो आपका है आपस में घुसे गोलमोल हुए हुए नहीं शो करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अरमान जी ठीक बोलो क्लियर एक स्पर्श का जो डाउट है थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि बेटे जब ये आपस में ओवरलैप कर गए ना पुत्र तो ये एक कॉमन क्लाउड बनता है ऐसे करके ठीक इस कॉमन तो क्लाउड जिसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे इसका भी एक कॉमन क्लाउड बनेगा अभी ओवरलैप करके तो एक ऑर्बिटल रह गया ना पुत्र तो उसमें सारा का सारा ये कॉमन क्लाउड बन गया तो शेप तो वही रही ना पुत्र मतलब अभी अलग थो, अलग थोड़ी रहे अब तो इंटरमिक्स हो गए ना ये अब भैया क्लोरिन ने बॉन्ड बना लिया यार वो ओवरलैप हो गया खत्म उनके ऑर्बिटल की आइडेंटिटी खत्म हो गई वो आपस में ओवरलैप करके पूरा ऑर्बिटल बन गया जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है बोलो क्लियर चलो जी अब चलते आगे हाँ भाई क्या सही कुछ एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन नहीं कई बार लोग अपना शीशा देख लेते हैं अरे कहा बुलेजते रहते तो मेरे साथ यार केमिस्ट्री टीचर हूं मैं समझा करो सो so, sp3 थ्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन थ्री में एक एस और तीन पी कौन सा एस पी एक्स पी वाई तीनों पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए बेटा इसको हम टेट्राहीड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं टेट्रा हिड्रल हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहीड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है इसको बच्चे ठीक अब जो टेट्राहीड्रल हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हुआ करती बच्चे इसमें एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं भैया ठीक एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन का सी ठीक मीथेन में हम लेंगे कार्बन जो कार्बन है कार्बन की ग्राउंड स्टेट कंफिग्रेशन क्या दोस्तों वन एस टू टू एस टू टू पी टू यानी में एस में दो और पी में भी दो पर बॉन्ड बनाने चार तो एक्साइटेशन तो होनी है तो एक्साइटेशन करवाइए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ला दिए तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास एक, दो तीन क्लियर जी अब ये आपस में क्या किए होंगे हाइब्रिडाइज़ और हाइब्रिडाइज़ करके कितने ऑर्बिटल बनाए बनाए होंगे होंगे भाई चार बनाए होंगे। और ये चारों कैसे होंगे अब sp3 थ्री होंगे मतलब ये एक एस ये एक पी ये दूसरा पी और ये तीसरा पी थोड़ा टेडा बनाया मैंने है ना पी एक्स पी वाय Z. अब इसको हमने इंटरमिक्सा एक दो लो जी ठीक मेरी गो मेरी गो राउंड बन गया है ना मेरी गोल्ड टाइप नॉट गो राउंड मेरी गोल्ड टाइप है ना अब यहां पे चार ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज़ हुए तो चार ही रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे है ना और चार एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितने पे रखते हैं टेट्राहेड्रल 109.19.28 मिनट्स 109.28 मिनट्स जिसको 109.5 बोल देते ना तो भैया एक ऑर्बिटल ये एक कार्बन का ये एक कार्बन का ये और एक कार्बन का ये 6 पैसे बना देने का क्यों जी इ इट्स अ सॉर्ट ऑफ टेट्राडेल और नॉट इट इज अ टेट्राडेल वाई सॉर्ट ऑफ ठीक अब इसमें हमने ऐसा बना दिया भैया ये कार्बन होता था कार्बन की जिंदगी में चार ऑर्बिटल होते थे ठीक और इसके ऊपर ओवरलैप कौन करता था हाइड्रोजन हाइड्रोजन गोल गोल, गोल लड्डू हाइड्रोजन में तो ऐसा ऑर्बिटल ही है ना अभी तक आपने देखो वो चोंच-चोंच करवाई थी है ना भाई अब क्या ये एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन चौथा हाइड्रोजन ये देखो ये मीथेन का मॉलिक्यूल बना भाई ठीक एंड विच रिजल्ट इन सी एच एच आपको बताया था टैट बनाते कैसे यहां पे एक एच यहां तुम्हारी याद की तरह धुंधली धुंधली सी एक और लाइन ठीक क्लियर yes, और बॉन्ड एंगल क्या दिखाओगे यहां पर yes, बोलो क्लियर हो गया बच्चा लोग yes, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हाइविटाइजेशन पता चल गई अदर एग्जाम्पल्स टू दिस नंबर ऑफ जैसे कि इसमें एस आई सी एल फोर सीसीएल फोर सल्फेट फॉस्फेट एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी ठीक, क्लियर yes. तो ऐसे करके बेटा एसपी थे हाइब्रिडाइजेशन बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया yeah. क्लियर हो गया हां जी सेकंड दो ले लो यार एक से तो कुछ नहीं होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है एक टुंडी बड़ी एक टुंडी छोटी देख रहे ना? चले जी आगे yes. अगला sp3d हाइब्रिडाइजेशन, थ्री डी प्लीज अब थोड़ा सा ना इधर ध्यान देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा यहां पर बात यह है कि एस तो हमें पता है यहां पर एस ए की होता है पी यहां तीनों लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं पी एक्स पी वाई पी जेड पर डी बड़े सारे होते हैं अब इसमें से एक डी कौन से वाला एक डी कौन से वाला इंपॉर्टेंट जेड स्केर डी जेड स्केर ये आपस में ओवरलैप हुए होंगे इसलिए बेटा इसको ना ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन बोलते ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा यार मजा आएगा थोड़ा सुनोगे समझोगे तब है ना सुनोगे समझोगे नहीं तो क्या इसको समझाने के लिए लेट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक हमने इसको समझाने के लिए के एक एग्जाम्पल लिया और वो एग्जाम्पल था PCl5 PCl5 फाइव फाइव में फॉस्फोरस जो होगा फॉस्फोरस की कंफिग्रेशन ग्राउंड स्टेट 3s2 3p3 सीधे लिख दूं जी yes, समझ में आता है 3s2, 3p3 क्या होता है yes, तो यहां पे आपके पास एस में दो इलेक्ट्रॉन पी में बेटा बॉन्ड पांच क्या यहां कहीं एक्साइट इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं हो ही नहीं अगर यहां आता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ठुडा मारेगा भाई रहा है है ना भाई तो ऑब्वियसली खाली जगह पे ही जा सकता है बंदा तो ये आपके पास थ्री एस था ये थ्री पी था तो थ्री डी तो होता ही है ना भाई और वो भी खाली पड़ा बेचारा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहां जंपा ठीक और उससे हमारे पास बना एक इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां और यहां डी में से कितने ऑर्बिटल यूज हुए भाई एक अब हमने ऐसे हाइब्रिडाइज कर दिया इसको ठीक और हाइब्रिडाइज करके कितने ऑर्बिटल बनाए और सबका नाम क्या रखा क्योंकि एक एस का तीन पी के एक डी का ठीक एस पी थ्री डी और सब में एक एक था इलेक्ट्रॉन अब बेटे इसकी शेप हमने बनानी है ठीक शेप इसकी पता है आपको ट्राइगनल पिरामिडल पांच है तो वो ट्राइगनल पिरामिडल ओ नहीं नहीं ये गड़बड़ है ट्राइगनल बाई पिरामिडल ये गलती होगी भाई क्षमा करें कृपा ट्राइगनल बाय पिरामिडल ये ये ओहो छोटा बन गया ये एक ट्राइगन ठीक है और इसके ऊपर पिरामिड ये पिरामिड ये पिरामिड ये तो ट्राइगन था था कि नहीं ये एक पिरामिडल बन गया ऊपर दूसरा पिरामिडल नीचे ठीक है जी जिसकी वजह से क्लोरीन इस पे ओवरलैप करके दिखा सकते हो अब तुम मेरे मेरे को लगता कर लोगे ये बन गया हमारे पास ठीक तो बेटा जी यहां पर सीएल यहां पे भी सीएल यहां पे भी सीएल 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 सारी जगह सीएल ठीक अब इधर हमारे पास बना ट्राइगन बॉन्ड एंगल 120 इधर अब ना अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है यार क्वेश्चन आता है कि जब हम फास्फोरस के आसपास देखते पांच ऑर्बिटल होने थे तो बेटा पांच ऑर्बिटल जो थे वो बॉन्ड एंगल कितना बना सकते थे थ्री सिक्सटी बाई फाइव डेट इज सेवेंटी टू तो वैसे तो बना नहीं क्योंकि उसमें रिपल्शन ज्यादा थी फिर इस तरह की ज्योमेट्री क्यों क्यों सारे बॉन्ड एंगल सेम सेम नहीं हो जाते थे रिपल्शन सारी जगह थी क्वेश्चन चंडीगढ़ से पूछ लो सच बता रहा हूं पूछ लो किससे भी कि इसमें अगर रिपल्शन ही बराबर करनी है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप ही कर रहे हैं ना और दे आर रिपेलिंग ईच अदर अब ऐसा तो है नहीं कि पहले से ऐसी शेप थी ऐसा तो नहीं था ये रिओरियंटेशन के दौरान बनी तो जैसे रिओरियंटेशन के दौरान एक टैटल बना था वैसे ही कुछ ऐसा बन जाता कि सारे बॉन्ड एंगल एक, एक, जैसे हो जाते ऐसा क्यों नहीं हुआ ये पर्टिकुलरली ऐसी शेप ही क्यों आई जिसमें दो अलग अलग बॉन्ड एंगल आप इमेजिन करो ना मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो कि जब इन्होंने रिपेल करके एक शेप बनानी थी तो ऐसी कोई शेप बनाते कि सारे बॉन्ड एंगल्स क्या होते इक्वल ये दो अलग अलग बॉन्ड एंगल आते ही क्यों है यार अरे बेटा मैं वही बोल रहा हूं रिपल्स को काउंटर करके इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया होता कि हमारे पास सबके बॉन्ड एंगल इक्वल होते बाकी सब जगह तो ऐसे ही हो रहा है ना इधर ऐसा क्यों नहीं हो रहा यार इधर दो अलग अलग बॉन्ड एंगल क्यों आते हैं ऐसी शेप क्यों बनती है जाओ पूछो मैं बताता तुम्हें इधर ध्यान देना ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसको अनिक्वल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है ध्यान से सुनना मेरी बात ये दो हाइब्रिडाइजेशंस का मेल है बच्चों दो हाइब्रिडाइजेशन का मेल है एक एस और दो पी एसपी टू और दूसरा पी डी एस पी टू एंड पी डी एस पी टू का बना ट्राइगनल प्लेनर तीन ऑर्बिटल का ट्राइगनल प्लेनर और पी डी दो ऑर्बिटल लीनियर समझ में आया और इन दो को किया हमने जोड़ तो जब ये जोड़ा देन इट रिजल्ट इन टू दिस सॉर्ट ऑफ शेप बट इट और नॉट समझ में आई बात मेरी क्यों दो अनइक्वल बॉन्ड एंगल इसमें मिले हमारे को इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड pd pd में दो ऑर्बिटल है दो ऑर्बिटल एक सौ डिग्री में होते हैं तो ये एक्चुअली pd पार्ट है और जो आपके sp2 वो ट्राइगनल प्लेनर ये ट्राइगन प्लेनर वाला पार्ट है दोस्तों और ये दो आपस में इंटरमिक्स हो गए क्लियर अब इसमें ना आपको एक बात बताई थी मैंने ध्यान से सुनना और बहुत मजे की बात यानी मैं अपने पॉइंट को हमेशा प्रूव करता हूं मैं ऐसे चलता नहीं हूं ठीक ये कभी नहीं होता कि मैं हवा में छोड़ के आगे चल जाऊं मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि इसके जो एक्सियल एंगल्स एक्सियल बॉन्ड्स होती है बड़ी होते हैं और इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते बोलो ऐसा बोला था कि नहीं और उसका रीजन बताया था यहां तीन तीन रिपल्शन होती है तो ये बॉन्ड लंबे होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स ये एक्सियल बॉन्ड्स कलर दूसरा ले लेता हूं ये एक्सियल बॉन्ड्स हमने बोला था लॉन्गर बोला था कि नहीं और इक्विटोरियल बॉन्ड्स शॉर्टर इक्विटोरियल बॉन्ड्स इक्विटोरियल बॉन्ड हमने क्या बोले शॉर्टर एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर ऐसा क्यों अभी बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटे इसमें एस करेक्टर कितना है थर्टी थ्री परसेंट इसमें एस करेक्टर कितना है तो जिसका एस करेक्टर कम होता है उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है कि नहीं तो ये वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा कि नहीं होगा क्योंकि इसमें एस करेक्टर कम है और इसमें एस करेक्टर ज्यादा है बॉन्ड लेंथ छोटा होगा कि नहीं प्रूव माई पॉइंट ठीक और मोर ओवर ऐसी शेप क्यों बनी समझ में आया कि नहीं आया

एक्सिल बॉन्ड बड़े स्कूल में मत लिखना है स्कूल में मत लिखना है कट जाएगा नंबर समझ में आया ये सिर्फ आपको मैंने समझाया आपको एडवांस में या किसी अच्छे पेपर में वहां अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए ठीक अदरवाइज ये सिर्फ आपकी समझाने के लिए मैंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ ठीक मेरे को पता है, विश्वास तो ट्रस्ट तो आप थोड़ा बहुत मेरे पे करते होंगे कि सर ऐसे तो है नहीं ठीक भी जो चीज बताएंगे आला दर्जे की बताएंगे ये आप पूरे चंडीगढ़ से पूछ लो बेटा द शेप इज लाइक दिस मैं कभी भी ऐसे नहीं कहता होता हूं जो चीज में पॉइंट होता है ना सिर्फ वही प्रूव करता हूं ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि कोई नहीं बताएगा आपको कुछ चंद लोग उंगलियों पे गिरे जाने वाले आपको ये बता सकते हैं जिन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ा है समझा है जिन्होंने सुपरफिशियल स्टडी की हुई है प्रदीप दिनेश पढ़ा पढ़ा के पढ़ा रहे हैं उन्होंने sp3 पी हड्डी वही बताना ना भी तीन बॉन्ड एंगल और उधर दो बॉन्ड एंगल की रिपल्शन उधर तीन की उनसे पूछ लो भी सारे बॉन्ड एंगल सेम क्यों नहीं है तो कोई जवाब नहीं ऐसा ही होता ही ऐसा कुछ नहीं होता है हर चीज का क्या होता है लॉजिक हम उस तक पहुंचे नहीं पहुंचे एक अलग इशू है पर होता है हर एक चीज का लॉजिक होता है ठीक चलो आगे चले जी हर जी बेटा ये भी ये बच्चा जी कह रहे हैं कि डी जेड स्केर ही क्यों लेंगे इसमें बेटे मैंने आपको वैसे तो ये आगे जाके प्लस टू में जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करवाऊंगा ना स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स करवाऊंगा ना बेटा तो वहां वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि डी जेड ही क्यों पार्टिसिपेट करता कोई और क्यों नहीं करता बट एनी हाउ अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूं बेटा प्रतीक कि इसमें आपके पास क्या होता है Z एक्सिस इज कंसिड टू एक्सिस ऑफ मॉलिकुलर तो हम Z वाली बात करते हैं इसलिए बेटा मैंने देखो Z और Z वाले आपस में ओवरलैप करवाएड e और डीजेड स्केयर क्योंकि बेटा तो वो आपस में ओवरलैप करवाए और एस पी एक्स पी वाई वो अलग ओवरलैप करवाए क्लियर बेटे समझ में आया और बाकी इसकी कहानी अधूरी है इसकी कहानी प्लस टू में पूरी करेंगे डीजेड ही क्यों है कोई और क्यों नहीं है क्योंकि अब उसमें ना ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग समझानी पड़ती कई डी ऑर्बिटल ना सेम बनाते हो वो स्प्लिट कर जाते हैं पार्ट्स में उस स्प्लिटिंग की वजह से कौन सा ऑर्बिटल ऊपर है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है क्लियर एनी हाउ कमिंग फर्दर चले आगे अगली बात हमारे पास आएगी एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री डी टू अगेन एस पी थ्री डी टू यानी एक एस तीन पी एस कौन से वाला भाई एस तो एक ही होता है पी एक्स बी पी वाई बी पी जेड भी डी जेड स्केयर बी डी एक्स स्केयर टू वाई स्केयर भी डी एक्स स्केयर टू वाई स्केयर भी बेटा मस्त बात इसमें भी क्या है कि इसमें भी आपके दो अलग अलग से बनते हैं डी एस पी टू और पी डी डीएसपी टू एंड पीडी पर अभी तुम उसको भूल जाओ अभी तुम सिर्फ ये समझ लो कि इसको ऑक्टाइडल हाइब्रिडाइजेशन बोलते क्या बोलते हैं ऑप्टाइड्रल हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ठीक ऑक्टाइडल हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते ले हैं एस एफ सिक्स एस एफ सिक्स एस एफ सिक्स में प्यारे प्यारे से बच्चों एस की ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन सर आप ही लिख दो बहुत कष्ट हो रहा है ठीक है जी और इसमें हमारे पास ये थ्री एस में दो इलेक्ट्रॉन और पी में एक दो तीन चार ये थ्री एस थ्री पी आगे खाली क्या पड़ा है थ्री डी बॉन्ड बनाने थे छे बॉन्ड कितने बनाने थे छे तो भैया एक इलेक्ट्रॉन को यहां और एक इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट किया ठीक है जी दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट और शिफ्ट होने के बाद हमारे पास बना एक दो तीन चार ये लो जी ठीक अब इनको करवा दो हाइब्रिडाइज ठीक कितने ऑर्बिटल बने हाइब्रिडाइज होकर के सारे क्या हो गए एस पी थ्री डी टू तो बेटा सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ठीक है अब इनकी शेप कैसी होगी ऑक्टाइडल ऑक्टाइडल मतलब ये सल्फर एक तो स्क्वायर ठीक ये लो ठीक है जी और एक पिरामिड तो प्यारे बच्चों ये स्क्वायर बाय पिरामिडल पिरा ऑक्टाइडल ऐसे बना देंगे एस एफ 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 ऑब्वियसली ये स्क्वायर राउंड बना तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री और ये बॉन्ड एंगल भी क्या होगा जब बॉन्ड एंगल ही बराबर है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी सेम रहेगी बेटा इसमें भी शेप ऐसी ही क्यों आई अगर कभी कोई जानना चाहे तो ज्यादा कुछ नहीं बोल देना कि यहाँ पे आपके पास दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी होती है एक होती है डी एस पी टू जो कि स्क्वायर प्लेनर होती है और दूसरा पी डी जो कि हमारे पास कैसी होती है लीनियर तो एक यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बन गया दोस्तों और दूसरा लीनियर बन गया दोनों को आपस में जोड़ा ऐसा बन गया ऑकटाइडल क्लियर जी समझ में आता है बात yes. इसमें एक्चुअली ऐसे हाइब्रिडाइजेशन ये भी दो हाइब्रिडाइजेशन का इंटरमिक्सिंग होता है बट यहां पे आप बोलो सर यहां तो एस करेक्टर जो है यहां है यहां नहीं है बॉन्ड लेंथ यहां पे भी फर्क होनी चाहिए थी होनी चाहिए थी ना बेटा बट यहां बॉन्ड लेंथ फर्क नहीं पड़ती है उसका रीजन नाइन्टी डिग्री एंगल पर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है तो जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी रिपल्शन की वजह से बड़ी हो जाती है सो ऑलमोस्ट सिमिलर सी बॉन्ड यू कैन से बॉन्ड लेंथ सिमिलर सी हो जाती क्यों तो क्योंकि बॉन्ड एंगल्स भी सिमिलर हर जगह रिपल्शन क्या है सेम है बोलो क्लियर समझ में आया बेटा एसपी थ्री एसपी टू डी लिखोगे अलग बात है डीएसपी टू लिखोगे अलग बात है ठीक यहां स्पेसिफिकली डीएसपी टू और पीडी लिखना है आपने ठीक कभी फ्यूचर में देखेंगे अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है ये सिर्फ आपको एक ये बताने के लिए कि शेप्स आती कैसे है हाउ दीज शेप्स अपेयर क्लियर आगे चले जी लास्ट हमारे पास आता है एस पी थ्री डी थ्री एस पी थ्री डी थ्री ठीक एस पी थ्री डी थ्री में प्यारे बच्चों इधर ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एस पी एक्स पी वाई पी जेड तो पता ही है पर क्या नहीं पता है डी डी में तीन है कौन से नो नॉट एट ऑल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड वही दो छोड़ देना जो पहले लिए थे वही दो छोड़ देना जो पहले लिए थे आपने ठीक इसका लॉजिक प्लस टू में होगा बेटा अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इट इज मैं बार बार बोल रहा हूं इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कि हाउ डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप एंड हाउ टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन वो आपको प्लस में करवाऊंगा अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लेना कि इस पे वो जो दो पहले पार्टिसिपेट किए वो छोड़ दो बाकी तीन लिख दो ठीक तो इसको हम बोल देते हैं पेंटागनल पेंटागनल बाई पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन है ना जी एकमात्र एग्जाम्पल है दुनिया में बेटा इसका आई एफ सेवन वैसे इसका एग्जाम्पल और भी है हमारे पास एफ सिक्स बट वो लोन पेयर के साथ है विदाउट लोन पेयर एकमात्र एग्जाम्पल है अपने पास आई एफ सेवन ठीक अब आयोडीन की ग्राउंड स्टेट कंफिग्रेशन फाइव एस टू फाइव पी फाइव फाइव एस टू फाइव पी फाइव तो प्यारे प्यारे से बच्चों यहां पे ये दो और एक, दो, तीन चार पांच यू इ नॉट और इसके आगे डी ऑर्बिटल्स खाली एक्साइटेशन में ये यहां सर यहां क्यों लगाऊ मैं? आगे लगाता हूं ये यहां ये यहां ये यहां ठीक है जी ऑब्वियसली ये एक और यहां पे भी एक 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 और यहां पे कितने ज्यादा आ गए भैया एक दो तीन आपस में कर दिया हमने इनको कंबाइन कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए सात और सात को मिला के क्या लिख दोगे बोलो कर दोगे और ज्योमेट्री बना लोगे आई के आसपास पांच गुब्बारे फुला लेना और एक दो ऊपर भी लगा देना सजावट पूरी नहीं होगी नहीं तो ये पेंटागन हो गया पिरामिड पिरामिड सो पेंटागनल बाई पिरामिडल आई ठीक जी ये पेंटागन है हमारे पास और पेंटागन में बॉन्ड एंगल कितने का होगा 72 डिग्री एक पिरामिड ये एक पिरामिड ये और ये पिरामिड कितने का 90 डिग्री तो जैसे हम ट्राइगन बनाते थे जैसे हम स्क्वायर बनाते थे वैसे क्या बना देंगे पेंटागन और ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड यहां पे एक आगे ले लो भैया एक यहां एक यहां एक यहां एक यहाँ एक ऊपर एक, 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 एक नीचे तो ये भी अनिक्वल हाइब्रिडाइजेशन है ठीक इसमें भी अलग अलग बॉन्डलेंस है तो ये आपके पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तो हमने छह तरह के हाइब्रेशन पढ़ी बेटा जी पढ़ी एस क्या होती है sp2 क्या होती है उसमें कॉमन एग्जाम्पल कौन से लेकिन हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट होगा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कैसी hybridization? Next class में आपको करवाऊंगा short... ठीक और उसमें कई सारी और चीजें बताएंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में

हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन यूज होगी ठीक पर का बार बार बोल रहा हूं प्योर थ्योरेटिकल है कोई प्रैक्टिकल प्रूफ इसको लेके हमारे पास नहीं है तो उसमें बहसबाजी नहीं है ये क्यों और ये क्यों नहीं बहसबाजी नहीं है क्योंकि ये हम थ्योरेटिकल अपने उसके लिए कर रहे हैं टू एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स विच इज एक्सप्लेन बाय दैट पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन अगर मान लो हमारे पास आप बोलो आई एफ सेवन में सर ऐसे ही क्यों है तो एक सिंपल कंसेप्ट है भैया उसमें ये जो शेप है एक्सप्लेन ही सिर्फ इससे होती है या फिर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सप्लेन ही इससे हो रही है ठीक क्यों उसकी सारी बॉन्डलैंड में फर्क है वो एक्सप्लेन ही इससे हो रहा है तो वो सब चीजें हम एक्सप्लेन कर देते हैं इससे तो हाइब्रिडाइजेशन नॉट हैव एनी प्रूफ येट इट इज फुल प्रूफ क्लियर ये केमिस्ट्री के भगवान इलेक्ट्रॉन की तरह ही है केमिस्ट्री में भगवान इलेक्ट्रॉन है